प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सवेल इक्वेशंस। तो फोर मैक्सवेल इक्वेशंस द फोर बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स विच आर स्टेटेड ऑन द फोर इक्वेशंस आर कॉल्ड मैक्सवेल इक्वेशंस। तो फोर लॉज कौन कौन से हैं? मतलब पहला, फर्स्ट गॉसिस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लॉ समझते हैं। इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज क्यू इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मान लो जहां चार्ज क्यू हुआ, प्लस क्यू मान लेते हैं हम, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने इर्द गिर्द बनाएगा, स्फेरिकल टाइप ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अगर हम थ्री डिमेंशनल देखें तो जो ये इलेक्ट्रिक अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाता है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह देते हैं। मान लो हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है जो चार्ज बना रहा है, इधर मान लेते हैं। इसके बीच में हम ऐसे एक क्लोज्ड सरफेस रख लेते हैं, तो उसको जो लाएं इसके बीच जो जे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कट कर रहा है इसकी सरफेस को, जो सर्कुलर सरफेस हुई ना, जो सर्कुलर अगर लें तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, और डिपेंड करते हैं चार्ज की वैल्यू पर बटा एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसे हम ड्राइव कर सकते हैं। जैसे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका फार्मूला हमें पता ही है, ई डॉट डी ए का होल इंटेग्रल। अगर पूरी सरफेस में हम पता करना है तो ई तो कांस्टेंट है, डी ए का इंटेग्रल ले लेंगे। ई की वैल्यू हमें पता ही है, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वेयर, आर इज द रेडियस, ये रेडियस है इसका, तो इनटू एरिया कितना है डी ए, दैट इज 4 पाई आर स्केयर। तो देखो 4 पाई आर स्केयर जे कट गया तो कितना बच गया, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, वही हमने लिखा है। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ, गॉसिस लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब जो चार्ज है ना, स्टैटिक चार्जेस होते हैं, ये तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, प्लस का चार्ज माइनस का चार्ज, लेकिन मैग्नेटिज्म में जो पोल्स होते हैं ना वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। कोई मैग्नेट लेंगे तो वहाँ नॉर्थ और साउथ इकट्ठे ही होते हैं, ऐसे नहीं भी नॉर्थ अलग हो गया साउथ अलग हो गया। इट स्टेट्स दैट द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉसिंग एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। उसका कारण क्या है? क्योंकि मैग्नेटिक पोल्स जो है वो एग्जिस्ट अलग अलग तो करते नहीं, तो सरफेस जो इसमें जो इनक्लोज होगी बी डॉट डी एस, तो जो इसमें डाइपोल्स बनेंगे इस मैग्नेट के कारण जो इसे मैग्नेटिक फील्ड कट करागे, वो इक्वल और ऑपोजिट दोनों ही होंगे। मान लो जो सरफेस ले लेते हैं हम, इसमें जो इसे ये मैग्नेटिक फील्ड इसे कट कर रहा है, इसमें जो डाइपोल बनेंगे वो दोनों बनेंगे। उसके कारण फिर क्या होगा, जो ये सरफेस इनक्लोज कर रही है इसको जो मैग्नेटिक फील्ड कट कर रहा है, क्या बना फिर बात, जो बी डॉट डी एस अब कितने बराबर आ जाएगी, जीरो के बराबर। कहने का मतलब जो फील्ड इस सरफेस को कट कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो के बराबर। कहने का मतलब सरफेस इंटीग्रल और मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस कितनी होगी, जीरो के बराबर, क्योंकि नॉर्थ साउथ तो नेट तो फिर जीरो ही बन गया ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो इसे कट कर रहा है। कहने का मतलब भी जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसे में एंटर कर रही हैं उतनी ही बाहर निकल रही है। देयरफॉर बी डॉट डी एस ओवर अ क्लोज्ड सरफेस कितना होगा, जीरो के। अगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये हमने पढ़ा। इट स्टेट्स दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। मान लो कोई सर्किट है, मान लो सोलेनोइड है या कैपेसिटर ले लो आप, अगर इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है विद टाइम, तो
तो ये क्या इंड्यूस कर रहा है, ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है। अगर तो जो माइनस साइन ये बताता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो उल्ट दिशा में होती है। अगर ये करंट इधर फ्लो कर रहा है तो ईएमएफ उसकी उल्ट दिशा में इंड्यूस होगी। आगे फोर्थ हमने किया था मैक्सवेल्स एम्पियर सर्किट लॉ। दिस लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रेडिंग द सरफेस बाउंडेड बाय द क्लोज्ड पाथ। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। ये मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर है, म्यू नॉट टाइम्स कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। कहने का मतलब ये जो तो होता है कंडक्शन करंट वो तो नेचुरल करंट है। अगर हम कंडक्शन करंट जहां तो नहीं चल रहा, जहां तो कौन सा है डिस्प्लेसमेंट करंट, तो टोटल करंट की जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट टाइम्स द कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। क्योंकि जहां जो बीच में बन रहा है ना दो, वो बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस है ये माइनस है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बनने से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, उससे क्या बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट। और जहां करंट फ्लो कर रहा है जहां भी देखो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो जहां डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा क्योंकि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, तो जहां तो है आईसी, तो जहां बीच में कौन सा करंट है डिस्प्लेसमेंट करंट, दैट इज ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को कौन चेंज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये थे फोर एम्पियर्स मैक्सवेल्स इक्वेशंस।